जींद से हांसी के बीच रेलवे लाइन पर कब काम शुरू होगा? जींद से सोनीपत के बीच हाइड्रोजन गैस से कब रेल का ट्रायल शुरू हो जाएगा? क्या जींद से चंडीगढ़ तक सीधी रेल की चलेगी? और पूरे देश भर में जो 508 नए जो रेलवे स्टेशन जो बनाए जा रहे हैं उनका नए सिरे से नवीनीकरण किया जा रहा है, उसमें क्या क्या सुविधाएँ होंगी, इन सब बारे में बात करने के लिए मेरे साथ हैं रेलवे मंत्रालय की जोनल रेलवेज यूजर्स कंसल्टेटिव कमेटी के सदस्य देव प्रसाद ढांडा जी। इनसे बात करते हैं, आप वीडियो पूरा देखें। प्रशांत जी नमस्कार। जी नमस्कार। कैसे आप बताइए, जो प्रधानमंत्री जी ने रेलवे स्टेशन है उनका नवीनीकरण का एक उद्घाटन किया औपचारिक तरीके से, किस तरह से ये रेलवे स्टेशन ऐसा कहा जा रहा है कि विदेशों की तरफ तैयार किए जाएंगे? जी आज माननीय जो है प्रधानमंत्री जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत और उसके माध्यम से जो है 508 स्टेशंस का नवीनीकरण करने के लिए शिलान्यास किया है, और इसको लेके जो एक मॉडल तैयार किया गया है वो ये है कि विदेशी तर्ज पे हमारे जो रेलवे स्टेशंस हैं वो बनने चाहिए, उनके अंदर जो है वेटिंग रूम्स, वेटिंग लाउंजेस, इस प्रकार की सुविधाएं, एस्केलेटर्स जो ऑटोमेटिक सीढ़ियां जो होती हैं उनका रहेगा, और जैसे झंडा लगाने की बात है, हमारे देश का जो तिरंगा है वो जो है हर जगह स्थापित होना चाहिए, 15 से 16 फीट का रहेगा जी। हाँ, तो ऐसा है, और इस प्रकार से जो है पूरा ही स्ट्रक्चर नवीनीकरण करते हुए ये रहेगा, तो इसको लेके 24,700 करोड़ रुपए जो है बजट वो पास किया गया है। पूरे देश भर के 508 स्टेशन के लिए जी। जिसमें अलग अलग प्रदेश के कुछ कुछ जिले आए हैं, स्टेशन आए हैं जिलों से, जैसे कि हरियाणा प्रदेश के आप जैसे बात करते हैं तो यहाँ से 15 स्टेशन वो आए हैं, तो इस प्रकार से जो है इस पे कार्य किया जाएगा जी। अच्छा, अभी ये जो स्टेशन की वीडियोस आई हैं कुछ भी, किस किस तरह का वो डिजाइन होगा जी, इस तरह के देश में अभी कुछ है रेलवे स्टेशन? हाँ जी, ऑलरेडी हैं और अभी काम भी चल रहा है, जैसे गति के नाम से जो रेलवे रेल्स बनाई जा रही हैं चेन्नई प्लांट के अंदर, अभी वो बिल्कुल आधुनिक तरीके से हर प्रकार की टेक्नोलॉजी से लैस हैं, उसमें एक ही चीज पे जो है जोर दिया गया है कि पैसेंजर का जो है आराम दायक वो कितना बना सकते हैं पैसेंजर के लिए उसका, और सुविधाएं कितनी टेक्नोलॉजी में परिपूर्ण और संपूर्ण उस ट्रेन को किया जा सकता है वो किया गया है, और टेक्नोलॉजी से लैस वो रहेंगी और बहुत उत्तम श्रेणी की जो है ट्रेन और ट्रेन की सुविधाएं जो हैं रेल यात्री के लिए हमारे देश में सुनिश्चित की जाएंगे आने वाले समय में जी। आप रेलवे मंत्रालय की जो महत्वपूर्ण कमेटी मेंबर हैं, तो जो जींद से हांसी के बीच में रेलवे लाइन बिछाने की बात है, पिछले 8-10 साल पहले से इसकी घोषणा चल रही है, बीच में खबरें आई थी DPR तैयार होने लग रही, क्या स्टेटस है अभी उसका? अभी उसमें बहुत तेजी आई है काम में, और आने वाले 6 महीने से 8 महीने के बीच आप देखेंगे वो जो प्रोजेक्ट है वो अपने आप में जो है कार्य उसमें स्टार्ट हो जाएगा, और जल्द से जल्द, और मेरी कोशिश भी रहेगी मंत्रालय के माध्यम से वहाँ रख के, और ये मेरी मांग भी रहेगी कि उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए जी। क्या उम्मीद करें अगले लोकसभा चुनाव से पहले इस पर काम शुरू हो जाए? जी बिल्कुल, निसंदेह जी। अच्छा, अभी उसकी जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है उसमें कितने पुल बनने हैं, कितने ओवर ब्रिज, कहाँ कहाँ से लाइन गुजरेगी, वो सारा खाका तैयार हो चुका है? हाँ जी, वो खाका तैयार हो गया है, उस पर जो है दोबारा से रीथिंक किया जा रहा है, कहीं कोई उसमें कोई लूप होल कोई कमी अगर है तो उस पर मंथन अभी चल रहा है, विचार विमर्श होने के बाद जैसे ही चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी तो बिल्कुल तुरंत प्रभाव से जो है कार्य स्टार्ट हो तो जाए। उसमें जमीन अधिग्रहण की भी प्रक्रिया शुरू होनी है उससे पहले? हाँ जी, हाँ जी। कब तक उम्मीद करें? वो 4-5 महीने के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि वो काम शुरू हो जाए। जी। एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट केंद्र सरकार इस पे रेलवे पे आपका मंत्रालय कर रहा है, सोनीपत से जींद के बीच में हाइड्रोजन गैस मतलब से लाइन। हाँ जी, हाँ जी जी, आप ठीक कह रहे हैं बिल्कुल। क्या है कि जींद एक पहला ऐसा डिस्ट्रिक्ट और स्टेशन, जींद जंक्शन जो है ऐसा है जहाँ हाइड्रोजन प्लांट 70 करोड़ की लागत से माननीय रेल मंत्री जी ने और मंत्रालय ने जो है वो पास किया है, और उस पर काम ऑलरेडी चल रहा है जी। 2023 के अंत तक या 2024 के मध्य तक
जींद से लेके सोनीपत, जो बात आपने कही बिल्कुल दुरुस्त, जींद से लेके सोनीपत तक हाइड्रोजन बेस्ड ट्रेन, हाइड्रोजन ईंधन पे जो चलेगी, जिसे हाइड्रोजन गैस जो पानी से बनाया जाएगा, वो प्लांट जो जींद में लग रहा है वो पानी से हाइड्रोजन गैस बना के उसको ईंधन के रूप में काम करके वहाँ से जींद से लेके सोनीपत तक ट्रायल जो है 2024 तक आपको देखने की मिलेगी, देखने के लिए मिलेगी। और इसके साथ ही ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव होगा जी, रेल यात्रियों के लिए, रेल में, रेलवेज में प्रदूषण फ्री, प्रदूषण फ्री बिल्कुल, क्योंकि डीजल से अब जिस प्रकार से इलेक्ट्रिफाइड हो जाएगा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपने उसमें कहा है कि आने वाले समय में 100% इलेक्ट्रिफाइड तो ट्रेन स्टेशन हो ही जाएंगे, बट इसके साथ साथ अब आगे हाइड्रोजन की जैसे कि आवश्यकता है तो उस पर आगे। ये हरियाणा में इस तरह का पहला स्टेशन है जींद जहाँ ये हाइड्रोजन प्लांट लगाया जा रहा है? जी, मेरे ज्ञान के मुताबिक, जो मेरे संज्ञान में है, ये पूरे भारतवर्ष का पहला ऐसा प्लांट है, पूरे देश का। हाँ जी, हाँ जी, जहाँ हाइड्रोजन प्लांट लगाया गया है और उसको जो है आने वाले 2-3 महीनों के अंदर ही जी, मुझे ऐसी उम्मीद है कि वो जो है कार्यरत हो जाएगा। पूरे देश भर से जो ट्रेनें यहीं से चलेंगी हाइड्रोजन गैस भर के? नहीं, हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से जो मॉडल तैयार होगे, जो यहाँ से सप्लाई होगी हाइड्रोजन ईंधन का, जो टेस्ट ट्रायल होगा जी, जो यहाँ पूरे हरियाणा में या नॉर्दर्न रेलवेज में जी, जी, उत्तर भारत में उसका फायदा मिलेगा। इसी प्रकार के और मॉडल्स पे ऑलरेडी सरकार जो है कार्यरत है और उस पर काम कर रही है जी। आप कमेटी के मेंबर हैं जो यूजर्स कंसल्टेटिव कमेटी है, तो ये बताओ जैसे जींद से हम चंडीगढ़ की बात करें, जींद बड़ा महत्वपूर्ण इलाका और बिल्कुल सेंटर में हरियाणा के, लेकिन कोई सीधी रेल की सेवा नहीं है, तो क्या कमेटी की किसी मीटिंग में आप ये मुद्दा उठाने जा रहे हैं? जी बिल्कुल, जैसे कि जींद से चंडीगढ़ के लिए डायरेक्ट कोई लाइन नहीं है बिछी हुई, जिसके चलते पीछे जो है रेलवे पीछे कुछ सालों में ऐसा नहीं कर पाई होगी ऐसा मुझे लगता है। बट अभी जो है जींद से कैथल और कुरुक्षेत्रा के माध्यम से आप जैसे चंडीगढ़ जाते हैं, जिसमें समय जो है तकरीबन 5 घंटे लग जाता है ट्रेन में, जो मुझे लगता है कि उचित नहीं है। जींद से डायरेक्ट जाने के लिए आपके अगर प्रदेश की राजधानी की बात करते हैं तो वहाँ जाने का आपका समय कम होना चाहिए, क्योंकि वाहन से भी आप जाएं तो 4-4.5 घंटे में। आज के दिन इतने अच्छे रोड्स बना दिए गए हैं माननीय नितिन गडकरी जी के, माननीय मंत्री जी के, उससे तो हम ये चाहेंगे कि अगर उसमें कोई ऐसा प्रावधान हुआ तो मैं निसंदेह इसको जो है, ये मेरे संज्ञान में आया है, मैं इसको लेके ज़रूर आगे जो है बात रखूँगा और दरख्वास्त करूँगा। और जिस प्रकार से मुझे पूर्ण विश्वास है रेल मंत्री जी, जिस प्रकार से माननीय वैष्णव जी ने इतनी अच्छी सौगात पूरे देश को दी है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, तो आगे भी वो इस बात को रखेंगे और समझेंगे और आगे करेंगे। अच्छा, जो हरियाणा के नए 15 रेलवे स्टेशन आपने बताए थे जिनका नवीनीकरण हो जाए, कौन कौन से हैं, कुछ बताओगे 5-7 नाम उसमें? जी जी, जैसे जींद, आप अंबाला, सोनीपत, नरवाना जंक्शन भी जो है, नरवाना का जो स्टेशन है वो है, इस प्रकार से अंबाला का है, तो 15 रेलवे स्टेशन जो हैं हरियाणा प्रदेश से हुए हैं, और अन्य जो प्रदेश हैं जैसे हमारे यूपी के इधर के, उनमें भी जो है काफ़ी रेलवे स्टेशन हुए हैं। 508 रेलवे स्टेशन जो हैं पूरे भारतवर्ष से चुने गए हैं नवीनीकरण के लिए, जिनमें से 15 हरियाणा प्रदेश, 15 हरियाणा जी। अच्छी, तो जैसे हम आजकल तो रेलवे स्टेशन पर जाते हैं, यहाँ सबसे बड़ी समस्या है कि जो लाइनों के बीच में गंदगी बहुत रहती है, यात्रियों के बैठने के लिए एक AC या वातानुकूलित गर्मी में जगह नहीं मिल पाती, किस तरह की इस तरह की सुविधाएँ यात्रियों को? जी बिल्कुल, जैसा मेरे संज्ञान में भी आया था, और काफ़ी रेलवे स्टेशन ऐसे हैं अभी जहाँ वेटिंग रूम जो है प्रतीक्षा करने के लिए वो रूम नहीं है, तो ऐसा कक्ष जो है बनाने के लिए ऑलरेडी जो ये मॉडल तैयार किया गया है इसमें ऐसा है, और सिर्फ यात्रियों के लिए नहीं, साथ में जो कार्यरत हैं, जो ऑफिसर्स रेलवेज के हैं, उनके लिए भी एक आराम करने के लिए जब वो ऑफ ड्यूटी होंगे उनके लिए भी कुछ समय वहाँ बिताने के लिए मिलेगा, दूसरा ऐसा कक्ष भी बनाया जाएगा। इसके साथ साथ बारिश जब होती है और काफ़ी जब यात्री एकत्रित हो जाते हैं तो उसके लिए भी एक शेड का प्रावधान भी हाँ काफ़ी स्टेशन्स पे किया गया है इन 508 में, तो इस प्रकार से
रहेगा, अलग अलग बजट जो है एज पर रेलवे स्टेशन ऐसा किया गया है, तो टोटल में जो मैंने आपको बजट बताया, पार्किंग और हरियाली को लेकर भी कुछ खास इसमें जी नहीं संदेह, पार्किंग बहुत भव्य पार्किंग जो है बनाई जा रही है हर रेलवे स्टेशन पे, और ग्रीनरी का वातावरण का ध्यान रखते हुए, पोल्यूशन का ध्यान रखते हुए, ताकि प्रदूषण कम से कम हो और यात्रियों की सेहत का ध्यान रखते हुए ऐसा किया गया है। पौधारोपण वृक्षारोपण जो है इसमें उसको बढ़ावा दिया जाएगा और उसके लिए डेडिकेटेड पार्क जो है हर रेलवे स्टेशन पे होगा। जी, एक नई चुनौती खड़ी हो रही है रेलवे मंत्रालय के सामने, रेलवे में यात्रियों की सुरक्षा जब सफ़र कर रहे होते हैं, और जो रेल दुर्घटनाओं में कमी की हम बात करें, हालांकि काफ़ी कमी आई है, उड़ीसा में एक बड़ा दुर्घटना हादसा हुआ था लंबे समय बाद इस तरह हुआ, उसके ऊपर क्या काम चल रहा है? देखिए, जो गति नाम से जो रेल्स बन रही हैं वो इतनी हाईटेक हैं, इतनी अच्छी हैं कि उनमें दुर्घटना होने का ऐसे ऑटोनोमस ब्रेकिंग के सिस्टम लगे हुए हैं, पहले तो किसी प्रकार का कोलैप्स होने का अंदेशा ही नहीं है। नई रेल पटरियां जो लगाई जा रही हैं, बहुत ज़्यादा लाइंस पिछले 5-7 साल में भी बिछी हैं और अभी भी आगे जो है इसके लिए बजट जो है माननीय प्रधानमंत्री जी ने अब की बार बजट को बढ़ाया है जी। पहले से तो निसंदेह उसमें बहुत अच्छा कार्य है, और सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए माननीय अश्विनी वैष्णव जी इस चीज़ को बखूबी ध्यान दे रहे हैं कि रेल की जो सिक्योरिटी है और टेक्नोलॉजी जितना हाई से हाई लेवल पे की जाए उतना उत्तम रहेगा, सेफ्टी के और सिक्योरिटी के नज़रिए से भी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आगे इस प्रकार के हादसे निसंदेह कम होंगे और नई रेल्स आएंगी, नए टेक्नोलॉजी आएंगी, तो ऐसी चीज़ों को अवॉइड किया जाता है। और कोई आप बात विशेष रूप से कहना चाहो मंत्रालय को कोई नई प्लानिंग के बारे में? देखिए मंत्रालय, मैं आप लोगों को एक चीज़ के लिए सुनिश्चित करता हूँ, आने वाले 3 साल में, ये मेरा निजी मानना है कि आने वाले 3 साल में देश के अंदर जो रेल सुविधाएं हैं वो इतने भव्य स्तर पे बदल जाएंगे और इतनी भव्य और इतनी अच्छी और सक्षम रेल होंगी कि व्यक्ति जो है, जो आज हम महसूस करते हैं कि कुछ व्यक्ति जो हैं उससे थोड़ा सा पीछे, कुछ चुनिंदा लोग जो पीछे हटते थे, वो डेफिनेटली जो है जो हवाई अड्डे हैं उनको अवॉइड करके और रेल को जो है कहीं ना कहीं प्रेफरेंस देंगे, हाँ ऐसा मेरा विश्वास है, और इसके लिए हम कार्यरत भी हैं, और माननीय अश्विनी वैष्णव जी के नेतृत्व में, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो बन पाएगा मंत्रालय अपने स्तर पे बहुत अच्छा करेगा, और मैं ही नहीं और भी बाकी जो भी साथी हैं, हाँ जो भी मंत्रालय से जुड़े हुए हैं निसंदेह वो अपनी तत्परता से लगे हुए हैं, मजबूती से लगे हुए हैं और मजबूत इरादे हैं। देखिए जी, उम्मीद है कि आपका मंत्रालय बेहतर कर पाएगा। जी जी, थैंक यू, थैंक यू। ये थे हमारे साथ देव प्रसाद ढांडा जी, रेलवे मंत्रालय की जो रेलवे का यूजर्स कंसल्टेटिव कमेटी हैं उनके मेंबर हैं, जिनसे संबंध रखते हैं, मिर्ज़पुर पैतृक गांव हैं और बहुत ही युवा ऊर्जावान साथी हैं। उम्मीद है कि हरियाणा की और जींद की मांगों को, डिमांड को मजबूती से रखेंगे। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद। धन्यवाद देव जी। धन्यवाद जी, बहुत बहुत थैंक यू, नमस्कार।